छात्रों, चलिए चलते हैं हम लोग केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़े थे वो अधिशोषण समताप के बारे में पढ़े थे केमिस्ट्री में। अभी हम लोग उसके आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अधिशोषण समताप जो होता है उसके बारे में हम लोग पढ़े थे कि वो एक लेखा चित्र होता है। अब उसके बारे में दो वैज्ञानिकों का क्या क्या मानना है, जिसका नाम है एक फ्रेंडलिक और एक का नाम है लैंगमुर, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, सुने थे नाम उनका। तो अब जो टॉपिक लिखेंगे फ्रेंडलिक के अधिशोषण समताप, ये टॉपिक लेंगे फ्रेंडलिक के अधिशोषण समताप, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फ्रेंडलिक के अधिशोषण समताप के नीचे फर्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे ठोस पदार्थों पर गैसों के अधिशोषण के संबंध में फ्रेंडलिक ने 1909 ईस्वी में एक समीकरण प्रस्तुत किया जिसे फ्रेंडलिक के अधिशोषण समताप का समीकरण कहा जाता है, उसके नीचे लिखेंगे समीकरण क्या दिया उन्होंने, xm = kp के पावर n। ये किसके द्वारा दिया गया समीकरण है, तो फ्रेंडलिक ने 1909 ईस्वी में ठोस पदार्थ पर, जैसे मान लिया कि कोई ठोस है, जैसे मार्कर, कोई भी ठोस पदार्थ, अगर कोई ठोस पदार्थ पर अधिशोषण की जो क्रिया होती है, अधिशोषण का मतलब पृष्ठ पर चिपकना, अधिशोषण की जो क्रिया होती है उस ठोस पदार्थ पे जो अधिशोषण की क्रिया को समझाने के लिए 1909 ईस्वी में फ्रेंडलिक ने एक समीकरण प्रस्तुत किया, उसी को हम लोग फ्रेंडलिक के अधिशोषण समताप का समीकरण कहते हैं। अब फ्रेंडलिक के अधिशोषण समताप के समीकरण क्या होता है, तो x/m = kp के पावर n, जहां सबके बारे में लिखेंगे कि x क्या है, p क्या है, k क्या है, n क्या है। x के बारे में लिखेंगे गैस का द्रव्यमान किसमें, तो ग्राम में, ठीक है, ग्राम में होना चाहिए। अच्छा सॉरी, यहाँ पे एम भी है ना, तो एम के बारे में यहाँ पे लिखे हैं। फिलहाल एम जो है गैस के द्रव्यमान है। एक्स का क्या है, एक्स का मतलब होता है अधिशोषित गैस का द्रव्यमान, वो भी हमेशा अधिशोषित गैस का द्रव्यमान ग्राम में। सबको बारे में बताते हैं, पी क्या है, तो एक गैस का दाब है, और पी का मान गैस का दाब हो गया। के एक स्थिरांक है और एन भी, यहां एन है स्थिरांक, यानी कि दोनों वैल्यू स्थिरांक है। चलिए, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रेंडलिक के अधिशोषण समताप का समीकरण क्या है, तो x/m = kp के पावर n। देखिए, जहां m क्या है, तो गैस का द्रव्यमान, यानी कि गैस का द्रव्यमान, जैसे कि मान लिया हाइड्रोजन गैस है, चाहे फिर कोई भी गैस है जो ठोस पृष्ठ पर अधिशोषित हो रहा है, यानी कि टोटल, m का मतलब टोटल मास, p
पी का मतलब गैस का दाब, के और एन दोनों स्थिरांक है जिसका वैल्यू सवाल में दिया रहेगा, एक्स का क्या मतलब है, देखिए दोनों ग्राम में ही द्रव्यमान होना चाहिए, ये अधिशोषित गैस का है और ये गैस का है। जैसे मान लिए कोई भी गैस ले लीजिए, चाहे कोई भी द्रव जो उस ठोस के ऊपर चिपकता है, अधिशोषित होता है, जैसे मान लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या फिर वाटर है, जल है, तो जल का कुल द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, तो दू गुना हाइड्रोजन का एक प्लस 16, ऑक्सीजन का 16 तो 18। तो ये जब हम लोग कुल द्रव्यमान निकालते हैं तो ये हो गया गैस का कुल द्रव्यमान। गैस का मतलब वही पदार्थ जो अधिशोषित होता है, जैसे मान लिया एक ठोस पिंड है, अब उसके ऊपर कोई ना कोई तो आकर चिपकेगा तभी ना अधिशोषण होगा, तो अब जो ऊपर आकर चिपकेगा उसका अगर टोटल मान निकालेंगे वो हो जाएगा m का वैल्यू। लेकिन अधिशोषित गैस का द्रव्यमान का मतलब ये हुआ कि टोटल 18 ग्राम जल है जिसमें हो सकता है कि 16 ग्राम आपके पृष्ठ पर चिपक रहा है, यानी कि अधिशोषित गैस का द्रव्यमान ये हुआ कि टोटल कितना ग्राम, टोटल तो इतना हो गया 18, अब 18 में कितना ग्राम उस पर चिपक रहा है, 15 ग्राम, 14 ग्राम, 10 ग्राम, कुछ तो ग्राम होगा ना। यानी कि x का मेम का मतलब समझना है टोटल ग्राम, और x का मतलब समझना है कि जितना जितना अधिशोषित हो रहा है। सवाल में आपको देगा कि H2O के 5 ग्राम किसी ठोस पदार्थ पर अधिशोषित हो रही है, यदि उसका गैस का दाब इतना, स्थिरांक कितना, तो आपको बताना होगा कि टोटल किसी का वैल्यू पूछ देगा, जैसे मान लिया पी का वैल्यू पूछ देगा या फिर किसी और का वैल्यू पूछ देगा, है ना। तो कहने का मेरा मतलब कि अगर ऐसा सिचुएशन रहेगा तो कैसे निकालेंगे, जरा एक क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन फिर हम समझाते हैं। अच्छा एक मिनट, क्वेश्चंस के पहले एक और डेरिवेटिव है, इसको मानिए समीकरण एक, इसी के नीचे उसको लिखेंगे, इसी को अपने तरफ से कुछ कुछ कर देना है। क्या करना है जरा समझिए, यहां पे x बाई एम बराबर केपी के पावर एन है, फिर से यहां पे लिखना है इसके नीचे पुनः समीकरण एक से, अगर फिर से अगर समीकरण एक से चलेंगे तो एक से क्या है, x बाय एम बराबर के पी के पावर एन, यही है ना। अब इसको एक सिंपल फार्मूला में तोड़ने के लिए, एक सिंपल फार्मूला में तोड़ने के लिए दोनों तरफ लॉग लिया जाता है, तो ये आप याद रख लीजिएगा, दोनों तरफ लॉग लेने पर तो यहां क्या बन जाएगा, इधर लॉग लेंगे तो लॉग एक्स बाय एम इज इक्वल टू लॉग के पी के पावर एन। देखिए यहां पे लॉग का एक फार्मूला हम देते हैं, लॉग के अंदर अगर पी इंटू आर रहेगा, यानी कि लॉग के अंदर जो कुछ भी गुना में रहता है तो वो टूट जाता है प्लस में, लॉग पी प्लस लॉग आर। अगर यही चीज लॉग के अंदर पी डिवाइडेड बाई आर रहता, यानी कि भागा में रहता है लॉग, तो उसको हम लोग फार्मूला बोलता है कि लॉग पी लिखो, लॉग पी माइनस लॉग आर, यानी कि जब भी भागा में होता है तो लॉग हो जाता है घटाओ में, और जब भी गुना में होता है तो इसको प्लस में तोड़ते हैं। हालांकि जो हमें फार्मूला लाना है वो इसको कभी भी भागा में नहीं तोड़ सकते हैं, हालांकि अगर हम नहीं तोड़ने के लिए तो तोड़ सकते हैं, लेकिन जो हमको फार्मूला बनाना है उसमें लॉग का लॉग छोड़ दिया है, इसलिए हम चाहते तो लॉग एक्स माइनस लॉग एम भी लिख सकते हैं क्योंकि बट्टा में है। हालांकि हमें जो फार्मूला पे पहुंचना है, व्यंजक पे पहुंचना है, उसी को लॉग लेकर उसमें ये छोड़ दिया है तो हम भी छोड़ देंगे, लॉग एक्स बाई एम इज इक्वल टू, यहां पे देखिए लॉग के अंदर के गुना पी के पावर एन है तो इसको तोड़ेंगे तो लॉग के प्लस लॉग पी के पावर एन। अच्छा ये तो फार्मूला पे टूट रहा है, एक और फार्मूला होता है कि लॉग के अंदर
अगर पी के पावर टी रहे, ठीक है, अगर पावर रहता है तो जो चीज पावर देता है वो पहले आ जाता है, इसका मतलब टी लॉग पी। ये चूंकि जो भी घेर रहे ना आपके सामने ये फार्मूला है, और इसी फार्मूला को यूज करके हम लोग फ्रेंडलिक के अधिशोषण समताप का जो समीकरण है उसका एक और उसी का फार्मूला पुट करने वाले, मतलब व्यंजक प्राप्त कर रहे हैं। लॉग एक्स बाय एम इज इक्वल टू लॉग के प्लस, ये पावर में एन है तो एन यहां पे चला जाएगा, एन लॉग टी। तो प्यारे छात्रों आप देख पा रहे होंगे कि ए भी आपको कहीं कहीं मिलता है, यानी कि आप बिल्कुल ना घबराइए कि सर तो बताए थे कि फ्रेंडली का अधिशोषण समताप एक्स बाय एम बराबर के पी के पावर एन होता है, लेकिन कहीं कहीं बुक्स में ए भी आपको दिया रह सकता है, इसलिए दोनों ही होता है, आप बिल्कुल याद रख लेंगे। अधिशोषण फ्रेंडली का अधिशोषण समताप का समीकरण लॉग एक्स बाय एम बराबर लॉग के प्लस एन लॉग पी भी होता है। चलिए तो अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, अब उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन करेंगे वो लिखेंगे। क्वेश्चन लिखा जाए, क्वेश्चन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बाईस ग्राम अणु, 22 ग्राम अणु ठोस पृष्ठ पर अधिशोषित हो रही है। यदि वह गैस जीरो पॉइंट टू एटीएम दाब पर एन का मान एक प्रदर्शित करता है तो, एन का मान एक प्रदर्शित करता है तो के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए। चलिए जरा इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि सवाल जो आप लिखे इसमें क्या क्या का वैल्यू दिया है और उसको यूज कैसे करेंगे। अब तो रहा कि सर आप तो फ्रेंडलिक के दो दो समीकरण दे दिए हैं, अब हम किससे चलेंगे, तो किसी से भी चलेंगे आंसर आएगा, इससे चलेंगे या इससे चलेंगे। हालांकि जो चीजें हमें पहले अगर वैल्यू पुट दिया हुआ है तो हम लोग राइट होता है कि आप शुरू वाले फार्मूला से चलिए। सबसे पहले आप लिखिएगा दिया है क्या क्या दिया है, तो यहां पे सबसे बोला कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का अणु ही अधिशोषित हो रहा है, यानी कि जो उस पर चिपक रहा है वो 22 ग्राम है, यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा 22 ग्राम, राइट। और कौन सा गैस है, तो CO2 गैस है। अब CO2 गैस का m का मान क्या होगा, तो m बराबर CO2 का कुल द्रव्यमान, तो कितना होगा, C का कार्बन कितना है, एक है, और एक कार्बन का 12 ग्राम होता है प्लस, और ऑक्सीजन कितना है, दो है, तो यहां पे लिखेंगे दो, और एक ऑक्सीजन कितना ग्राम, 16 ग्राम, तो यहां पे लिखेंगे 16, तो टोटल मिलाकर 12 और यहां हो जाएगा 32, तो टोटल कितना 44 ग्राम एम का वैल्यू हो गया। अब क्या बोल रहे हैं सवाल में कि प्रेशर यानी कि दाब, गैस का दाब कितना हो रहा है, तो 0.2 atm, यानी कि जब उस गैस का दाब 0.2 atm हो रहा है तब एन का मान एक प्रदर्शित कर रहा है, तब इस स्थिति में बोल रहा है कि के का मान निकालो, तो बिल्कुल आप बिल्कुल इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब किस में लगेंगे रखेंगे, तो फ्रेंडलिक के अधिशोषण से निकलेगा, क्योंकि फ्रेंडलिक के ही अधिशोषण बना एक्स एम पी एम ए। आपको ये नहीं बोलेगा प्यारे छात्रों कि ये फ्रेंडलिक का अधिशोषण में ही लगाना है फॉर्मूला, वो आपको सोचना होगा
कि हमें किस किस चीज का मान दिया है, तो इन चीजों से जो हमको के निकलेगा वो कौन सा समीकरण से निकलेगा, फ्रेंडलिक से निकलेगा, लैंगमुर से निकलेगा कि किसी और समीकरण से निकलेगा, ये आपको सोचना है राइट। तो इसमें हम सोचे कि जब इतना का वैल्यू दिया है तो फ्रेंडलिक के अधिशोषण सम ताप के समीकरण से निकलेगा, तो यहां पे लिखेगा फ्रेंडलिक के अधिशोषण समताप के समीकरण से क्या है, तो x बाय m बराबर के टी के पावर है। तो सबका वैल्यू पुट कर लीजिएगा, x का वैल्यू, m का वैल्यू, k का वैल्यू तो निकालना है छोड़ दीजिएगा, p का वैल्यू 0.2 उसके पावर n, और जो भी आंसर आएगा आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे, या फिर आप ग्रुप में जाकर इसका सॉल्यूशन भेज सकते हैं। तो चलिए ए भी हम लोग पढ़ रहे थे फ्रेंडलिक के अधिशोषण समताप। अब लिखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वो टॉपिक है लैंगमुर के अधिशोषण समताप। लैंगमुर नाम है वैज्ञानिक का, अधिशोषण समताप, लैंगमुर के अधिशोषण समताप। चलिए इसमें लिखा जाए लैंगमुर के अधिशोषण समताप में, फर्स्ट एल देंगे लैंगमुर के अधिशोषण समताप, लैंगमुर के अधिशोषण समताप निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है। अब निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है तो पहला नंबर देके लिखेंगे, उसके नीचे पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे करके लिखेंगे। पहला में लिखेंगे ठोस पदार्थ की सतह पर, ठोस पदार्थ की सतह पर गैस, गैस एक आणविक स्तर बनाता है, एक आणविक, एक आणविक स्तर बनाता है। दूसरा अधिशोषित अणुओं के मध्य, अधिशोषित अणुओं के मध्य कोई अन्योनय क्रिया, कोई अन्योनय क्रिया, अन्योनय क्रिया नहीं होती है, कोई अन्योनय क्रिया नहीं होती है। और तीसरा लिखेंगे अधिशोषक की सतह पर, अधिशोषक की सतह पर गैस के अणुओं का, गैस के अणुओं का संघनन होता है, संघनन बताते हैं सब कुछ क्या होता है, संघनन होता है। और लास्ट लिखेंगे चौथा गैस के संघनित अणु, गैस के संघनित, संघनित अणु अधिशोषक की सतह से, अधिशोषक की सतह से वाष्पित होते हैं, अधिशोषक की सतह से वाष्पित होते हैं। चलिए तो ये चार विशेषता है या फिर लैंगमुर के सिद्धांत को बतलाता है। देखिए जैसा कि प्यारे छात्रों अभी हम लोग पढ़ रहे थे फ्रेंडलिक के अधिशोषण समताप, तो फ्रेंडलिक ने एक समीकरण को प्रस्तुत किया है, वही दूसरी ओर इसके विपरीत लैंगमुर के अधिशोषण समताप एक सिद्धांत को बतलाता है, यानी कि इसमें कोई समीकरण नहीं है, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है राइट। इस सिद्धांत को आपको याद रखना होगा, इन सिद्धांतों को समझना होगा। तो लैंगमुर के जो अधिशोषण समताप है इसमें लैंगमुर साहब ने, जो कि वैज्ञानिक का नाम है, अब इसमें ये मेंशन नहीं है कि इन्होंने कब इसका इस बात इन सिद्धांतों को दिया, तो इसका मेंशन नहीं है बुक में, तो सिर्फ इसके सिद्धांतों को लिखा हुआ है। तो पहला सिद्धांत ये लिखा हुआ है कि ठोस पदार्थ के सतह पर जो अधिशोषण होता है ना वो एक लेयर में होता है,
जैसा कि प्यारे छात्रों अगर आपको पता है कि ठोस पदार्थ कोई है उस पे अगर कोई भी पेंट वगैरह को हम लोग करते हैं तो उसके सतह पर चिपक जाता है और ये जो चिपकता है ना ये कितने स्तर का होता है तो एक लेयर का होता है। यानी कि अगर हम लोग कई बार अगर इस बोर्ड पे पेंट लगाएंगे तो लेयर बाय लेयर बनते जाएगा। तो उसी तरीके से लैंगमुर का मानना यह है कि कोई भी ठोस सतह पे अगर अधिशोषण की क्रिया होती है वो एक आण्विक स्तर होता है, मतलब एक लेयर चढ़ता है, राइट। अब दूसरा इन्होंने बताया अधिशोषित अणुओं के मध्य कोई अन्योन्य क्रिया नहीं होता है। देखिए अब अन्योन्य क्रिया का मतलब क्या है, कोई इंट्रैक्शन, यानी कि जैसे मान लिया कि यहां पर ठोस है, अब यहां अधिशोषित कोई गैस है, अब जो गैस जैसे मान लिया कि अगर इसमें जो चढ़ेगा तो पेंट का कुछ लेयर तो चढ़ेगा ना, जिसको एक लेयर बोल रहे हैं, ये एक लेयर है। अब ये एक लेयर चारों तरफ से चढ़ जाएगा तो इसके बीच में कोई इंट्रैक्शन नहीं होता है। इंट्रैक्शन का मतलब वो कभी छूटता नहीं है, अगर आपको छूटेगा तो पूरा का पूरा पेंट छूटेगा। ऐसा नहीं है कि पेंट थोड़ा थोड़ा करके चढ़ेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक लेयर है। आप चीजों को समझिए, जैसे मान लिया कि एक ठोस पेंट है और इसके चारों तरफ एक पेंट है तो डायरेक्ट जब पेंट छूटेगा ना तो एक जिसको पपड़ी कवरना जिसको बोलते हैं ना, वो पपड़ी कवरेगा तो डायरेक्ट वो पेंट को छोड़ेगा और फिर मेरा ठोस दिखने लगेगा। अक्सर हम लोग खिड़की में जो प्रयोग किया हुआ लोहा रहता है उसको पेंट करते तो कई दिनों के बाद क्या होता है, वो पेंट बिल्कुल पपड़ी के जैसा कवरने लगता है, वही एक लेयर है, राइट। और फिर से हमें वो ठोस पिंड दिखने लगता है, तो वही बोला जा रहा है कि कोई अन्योन्य क्रिया नहीं होता है, यानी कि पेंट और पेंट के बीच में विकर्षण नहीं होता है। जब भी विकर्षण होगा तो लोहे के बीच, जब भी पेंट छूटेगा तो ठोस को ही छोड़ के निकलेगा, राइट। ये दूसरा था। और तीसरा बात ये कि अधिशोषक की सतह पर गैस का संघनन होता है। संघनन का मतलब जब भी आप कभी भी पेंट करते हैं ना, जैसे मान लिया कोई वस्तु को पेंट करते हैं तो आप देखते होंगे कि ब्रश का दाग आ जाता है कुछ देर के लिए, लेकिन कुछ समय बाद वो ऑटोमेटिक प्लेन हो जाता है। आप चीजों को गौर कीजिएगा, अक्सर पेंट करते समय आप जब भी ब्रश करते हैं ना तो ब्रश करते हैं उस टाइम आपको ऐसे ऐसे करके ब्रश का दाग आ जाता है, लाइनिंग लाइनिंग का, लेकिन कुछ समय के बाद ये चूंकि पेंट जो है प्लेन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे संघनन का क्रिया हो जाता है। संघनन का मतलब वहां से वो उसके अंदर जो छोटे 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 बुलबुले बनते हैं, जैसे कि बारिश के दिन बुलबुला आप देखते होंगे ना, ये चूंकि इतना छोटा होता है, ये क्यों, क्योंकि आप जब भी ब्रश करते हैं ना, ब्रश चलाते हैं उस पर पेंट करते हैं तो गलती से हवा उसके अंदर प्रवेश हो जाता है, जैसे कि बुलबुला होता है। चूंकि बुलबुला बहुत बड़ा है और वो उसमें बहुत छोटा छोटा कण है, इसलिए इसमें आपको ब्रश का दाग दिखने लगता है। तो वही संघनन की क्रिया होती है। संघनन का मतलब हवा का भर जाना, हवा का भर जाना, और बाद में वो वाष्प के तौर पे संघनित हो जाता है। संघनित का मतलब निकलना, संघनन का मतलब वायु का इकट्ठा होना, बनना, राइट। तो वहां पे आप बहुत सारा बुलबुला इतना छोटा छोटा होता है कि ब्रश का दाग दिखने लगता है। वास्तव में वो संघनित का मतलब ये हुआ कि कुछ देर के बाद वो ब्रश का दाग नहीं दिखता, प्लेन दिखता। कारण क्या? क्योंकि वहां पे जो छोटा 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 वो बुलबुला बन रहा होता है उसके अंदर की जो हवा होती है वो निकल जाती है, अतः वो संघनित हो जाती है। तो कुल मिलाकर चार बात याद रखिएगा। पहला ये कि ठोस पदार्थ के जो ऊपर अधिशोषण की क्रिया होती है वो एक स्तर का होता है, एक आण्विक होता है। और दूसरा कि अधिशोषित गैसों के बीच कोई अन्योन्य क्रिया नहीं होती है। और तीसरा उनमें संघनन की क्रिया होती है, अतः लास्ट में वो क्या हो जाते हैं, संघनित हो जाते हैं। तो ये हम लोग का टॉपिक्स था। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। इसके बाद इसके अंदर में और कोई लैंगमुर के अधिशोषण क्षमता में कुछ है नहीं, बस सिद्धांतों को बस याद रखना है। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट टॉपिक विलयन के विलय का, विलयन के विलय का ठोस पृष्ठ पर अधिशोषण,
ठोस पृष्ठ पर अधिशोषण, अधिशोषण। चलिए बहुत बढ़िया टॉपिक है, आप चीजों को समझिए कि ये टॉपिक्स क्या बोल रहा है। बिलियन के बिले का ठोस पदार्थ पर, देखिए बिलियन का तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि विलयन क्या है, जिसमें बिले भी होता है और विलायक भी होता है। प्यारे छात्रों, विलायक उसको बोलते हैं जिसकी मात्रा ज्यादा होती है। जैसे मान लिया जल और नमक के मिश्रण में जल की मात्रा जब ज्यादा होगी तो जल को हम लोग बोलेंगे विलायक, और नमक की मात्रा कम होगी नमक को बोल देंगे बिले। उसी तरीके से अब हम लोग समझते हैं कि बिले में, बिलियन में सॉरी, तो बिलियन में मान लिया सपोज दैट, हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, हालांकि यहाँ पे पेंट करने वाला काम हम लोग करेंगे, तो एक एग्जांपल में हम लोग यहाँ पे जल प्लस नमक ले रहे हैं, जल प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड, तो ये क्या बनेगा, अब हम लोग का ये बिलियन बन गया। अब आप बताइए कि जल और नमक में विलेय कौन होगा, तो विलेय जिसकी मात्रा कम होती है यानी कि NaCl, जिसकी मात्रा कम होती है वो NaCl होता है यानी कि नमक। अब इसका जो है ठोस पृष्ठ पर अधिशोषण, अब हम लोग विलयन में जो विलेय की मात्रा है अब उसको हम लोग एक ठोस पिंड पर अधिशोषण का क्रिया कराएंगे, यानी कि इसको नमक से NaCl का लेप करेंगे, पेंट करेंगे। हालांकि ये अपने जनरल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं है, कभी भी आप नमक से पुताई नहीं कर सकते हैं, हालांकि हम आपको एग्जांपल के तौर पे सब सिखा रहे हैं कि कोई भी अगर आपको रहेगा विलयन, उसमें से आपको विलेय का ही अधिशोषण करना है, उसको पेंट के तौर पे चिपकाना है, उसके सतह को चिपकाना है। चलिए इसके नीचे फर्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे ठोस पृष्ठ सिर्फ गैसों का ही, ठोस पृष्ठ सिर्फ गैसों का ही अधिशोषण नहीं करते, अधिशोषण नहीं करते, बल्कि बल्कि विलयन में घुले, विलयन में घुले विलेय का भी अधिशोषण करते हैं, विलेय का भी अधिशोषण करते हैं। नेक्स्ट एरो देंगे, विलेय के विलयन में से, विलेय के विलयन में से अधिशोषण की मात्रा, अधिशोषण की मात्रा निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है, निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। नंबर वन, ताप में वृद्धि होने पर, ताप में वृद्धि होने पर अधिशोषण की मात्रा कम हो जाती है, दूसरा यदि विलेय का सांद्रण, यदि विलेय का सांद्रण अधिक हो तो, अधिक हो तो अधिशोषण भी अधिक होता है, अधिशोषण भी अधिक होता है, तीसरा अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक रहता है, जितना अधिक रहता है अधिशोषण की मात्रा उतना ही अधिक होती है, अधिशोषण की मात्रा उतना ही अधिक होती है। एंड लास्ट चौथा, अधिशोषण की मात्रा, अधिशोषण की मात्रा अधिशोषक और अधिशोषित की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, अधिशोषक और अधिशोषित की प्रकृति पर भी निर्भर करता है।
चलिए अब हम लोग जरा बात करते हैं कि सबसे पहले हम लोग ये लिखे कि अभी तक के हम लोग क्या पढ़ते हैं कि ठोस है उस पर पेंट करने की प्रक्रिया, उसके सतह पर जो चिपकता है वो अधिशोषण कहलाता है। लेकिन इसमें वो बात ये बोल रहा है कि अगर मान लिया कि कोई विलयन है, कोई मिक्सचर है, तो विलयन तो करता ही है, बल्कि इसके साथ साथ विलयन में जो मौजूद विलेय है ना, वो विलेय भी स्पेशल तौर पे एक अधिशोषण की क्रिया कर सकती है। तो मेरा तो वही टॉपिक ही है कि विलेय का विलयन में से ठोस पदार्थ पर कैसे अधिशोषण हो सकता है। और सेकेंड एरो में लिखे हैं इसके लिए कुछ शर्तें हैं, ये कुछ बात पर निर्भर करता है। पहला बात क्या है जरा समझिएगा, अगर मान लिया किसी भी ठोस पर जिसको पेंट करना है, जैसे मान लिया लकड़ी हो, चाहे कोई वस्तु है जिस पे अगर आपको पेंट करना है, अगर उसका ताप ज्यादा होगा, यानी कि जिस पर आप पेंट चढ़ा रहे हैं उस पे अगर टेम्परेचर उसको ज्यादा दे रहे हैं, उस पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो याद रखिए कि अधिशोषण क्या होगा, तो कम हो जाएगा, बिल्कुल याद रखिएगा, यानी कि वो ज्यादा टिकाऊ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिस वस्तु पर आप पेंट कर रहे हैं उसका टेम्परेचर हाई है। तो पहला बात पर ये हम लोग लिखे कि किसी भी वस्तु जिसका ताप बढ़ते जा रहा है उसका अधिशोषण क्या होगा, कम होगा, राइट। फिर लिखे होंगे हम लोग सेकेंड में कि अधिशोषण का सांद्रण, अगर जैसे मान लिया कि विलेय का सांद्रण, NaCl का सांद्रण अगर ज्यादा है, इसका सांद्रण, तो सांद्रण अगर बढ़ता है तो याद रखिएगा ऊपर वाला एरो का मतलब बढ़ रहा है, सांद्रण अगर बढ़ रहा है तो अधिशोषण की मात्रा भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो पहला तो ये हम लोग का प्रभाव पड़ता है कि ताप बढ़ाने से अधिशोषण घटता है, सांद्रण बढ़ाएंगे विलेय का जिसको हम लोग पेंट करने वाले हैं, अधिशोषण भी बढ़ेगा, तो हमारे लिए ये अच्छा है। अगर सांद्रण बढ़ रहा है तो आप पेंट कीजिए, अधिशोषण ज्यादा टिकाऊ होगा, पेंट ज्यादा टिकाऊ होगा। फिर नंबर थ्री में लिखे हैं कि अगर क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो अधिशोषण ज्यादा होगा, यानी कि क्षेत्रफल की मात्रा अगर ज्यादा होगी तो अधिशोषण का मात्रा भी ज्यादा लेना पड़ेगा। आप खुद समझिए, ये मेरा एक पत्थर है जिस पर पेंट करना है, और एक ये पत्थर है, तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल में किसका ज्यादा, तो सेकेंड का ज्यादा, फर्स्ट का कम, तो सेकेंड वाला को करने के लिए पेंट इसमें ज्यादा अधिशोषण का मात्रा लेना पड़ेगा। मात्रा का मतलब उसका मान ज्यादा मात्रा में, यानी कि ज्यादा पेंट लगेगा, ज्यादा पेंट का खपत होगा, लेकिन फर्स्ट में कम पेंट लगेगा। कारण क्यों? क्योंकि इसका क्षेत्रफल बढ़ गया। तो आप याद रखिएगा किसी भी वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर बढ़ता है तो उसमें अधिशोषण का जो मात्रा लिया जाता है वो ज्यादा मात्रा में खपत होता है। और एक लास्ट लिखे हैं कि जो हम लोग अधिशोषण की क्रिया है ना, वो उस पर भी डिपेंड करेगा कि आखिर कैसा वस्तु है जिसपे पेंट कर रहे हैं, और वो पेंट पर भी निर्भर करेगा कि किस तरह के पेंट पर भी निर्भर कर रहे हैं उसको पेंट, यानी कि वो अधिशोषक, अधिशोषक एक लिखे होंगे और एक लिखे होंगे अधिशोषित, तो इस पर भी निर्भर करता है कि आप किस तरह के वस्तु पर पेंट कर रहे हैं और किस तरह का पेंट से आप कर रहे हैं, तो ये दोनों बात पर भी निर्भर करता है अधिशोषण, और बिल्कुल करता है। अगर मान लिया कि कोई पेंट कर रहे हैं, एक दीवार पे कीजिए, एक लकड़ी पे कीजिए, एक लोहा पे कीजिए, तो दोनों में अंतर पड़ जाता है दोनों तीनों में। और दूसरा बात, अगर पेंट बदलते हैं, अलग अलग तरह का क्वालिटी, अलग अलग तरह के विलयन का मिक्सचर रहेगा, तो उस पर भी पेंट पे भी डिपेंड करता है। तो लास्ट में यही लिखे हैं हम लोग कि अधिशोषक और अधिशोषित पे भी डिपेंड करता है, तो इस तरीके का। तो ये था कि विलयन के विलेय का ठोस पृष्ठ पर जो अधिशोषण होता है उसके लिए कौन कौन से प्रभाव थे, कौन कौन से कारक पे निर्भर करता है, और उसके लिए क्या क्या कंडीशन है, मतलब इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अक्सर पूछता है सवाल में कि अगर अधिशोषण का मात्रा कम हो रहा है तो इसके लिए कौन सा फैक्टर जरूरी है, तो आप बोलेंगे कि ताप बढ़ रहा होगा, क्योंकि ताप बढ़ाने से अधिशोषण क्या होता है, कम होता है। अब उसके आगे टॉपिक लिखेंगे अधिशोषण के उपयोग, ये बहुत बढ़िया टॉपिक है। अभी तक के हम लोग अधिशोषण अधिशोषण पढ़ रहे थे, अधिशोषण के बारे में बहुत पढ़े, लेकिन और अधिशोषण के बारे में ये भी लिखे कि अधिशोषण संताप क्या है, फ्रेंडलिक का, लैंगमुर का, लेकिन अब जो मेन हम लोग टॉपिक से है वो ये कि अधिशोषण का उपयोग कहाँ करते हैं,
तो यहाँ पे आप टॉपिक बनाइएगा अधिशोषण के उपयोग। अब इसके नीचे एरो देंगे, लिखेंगे अधिशोषण के उपयोग निम्नलिखित है, अधिशोषण के उपयोग निम्नलिखित है। पहला, पहला उच्च निर्वात उत्पन्न करने में, उच्च निर्वात बताते हैं यह निर्वात क्या है, उच्च निर्वात उत्पन्न करने में। दूसरा आर्द्रता का नियंत्रण करने में, आर्द्रता का नियंत्रण करने में। तीसरा बिलियन के रंग को दूर करने में, विलियन के रंग को दूर करने में। और तीसरा रोगों के निवारण में, रोगों के निवारण में। नेक्स्ट नंबर पांच, फेन उत्प्लवन विधि में, फेन उत्प्लवन विधि में। आप तो सीखे ही होंगे फेन उत्प्लवन विधि, लेकिन फिर हम बताते हैं क्या होता है। और नेक्स्ट लिखेंगे गैस नकाब में, गैस नकाब, गैस नकाब में। तो चलिए अब हम लोग जरा देखते हैं कि अधिशोषण का उपयोग कहाँ कहाँ है। तो पहला उपयोग तो हम लोग ये लिखे होंगे कि उच्च निर्वात उत्पन्न करने में। प्यारे छात्रों, निर्वात का मतलब होता है जहां हवा बिल्कुल नहीं हो, राइट। यानी कि अधिशोषण का ही उपयोग करते हैं। जैसे मान लिया कि कोई एक बंद बर्तन है और उसमें कुछ हवा शेष रह जाता है, तो कुछ ऐसा केमिकल उसमें डाल दिया जाता है जो हवा को क्या कर लेता है, सोख लेता है। इसलिए जब सोख लेगा तो क्या होगा, जैसे मान लिया कि एक बंद बर्तन है, अब बंद बर्तन, जैसे मान लिया कि बर्तन को पैक करने के दौरान कुछ हवा का मात्रा तो उसमें रह ही जाता होगा, इसलिए क्या करते होंगे ना कि वहां पर कुछ केमिकल्स डालते हैं जो हवा को सोख लेगा। और सोखने का मतलब यह हुआ कि अपने पृष्ठ पर चिपका लेगा, वही ना अधिशोषण है, सोखना तो अवशोषण हो जाता है। यानी कि जैसे ही वो अपने पृष्ठ पर चिपका लेगा, उस हवा को इकट्ठा कर लेगा, बर्तन में क्या हो जाएगा, उच्च निर्वात उत्पन्न हो जाएगा। यानी कि पहला जो है उच्च निर्वात उत्पन्न करने में, किसी भी बंद सतह में, किसी भी बंद बर्तन में हवा की मात्रा को निकाल देना, नगण्य कर देना, वहां पे निर्वात कहा जाता है। दूसरा हम लिखें आर्द्रता को नियंत्रित करने में। आर्द्रता का मतलब क्या, वो ओस, ओस जो ठंडी के दिनों में आर्द्रता गिरता है, उसको नियंत्रित करने में भी हम लोग यूज करते हैं अधिशोषण का। प्यारे छात्रों, जहां पे ज्यादा आर्द्रता होता है उसको कम करने के लिए कुछ ऐसा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, जैसे ताकि वो क्या करे, आर्द्रता को अपने सतह पर चिपका ले। अक्सर ये बहुत विकासशील कंट्रीज में इन केमिकल्स का यूज होता है, इन पार्टिकल्स का यूज होता है, इन मॉलिक्यूल्स का यूज होता है, जो काम करता क्या है, आर्द्रता को नियंत्रित करता है। जैसे मान लिया ज्यादा ओस पड़ता है और आपको दिख भी नहीं रहा है, तो वहां पे आप आर्द्रता को कंट्रोल कर सकते हैं, वो हटाने का काम करता है, क्योंकि ओहो को दूर करने में। देखिए प्यारे छात्रों, विलयन के रंगों को दूर करने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लिया कि कोई विलयन है, जैसे मान लिया कि रेड कलर है, लाल कलर का कोई कलर है और हमको उसको डिसकलर करना है, तो कुछ ऐसा केमिकल या पदार्थ डाला जाता है, वो क्या करता है, वो सूखने का काम करता है। मतलब कि उसको अधिशोषण कर लिया तो लाल से बन गया थोड़ा सा हल्का लाल, अब हल्का लाल बन गया, अब फिर से कुछ उसमें डालेंगे तो कुछ डिसकलर होते जाएगा और धीरे धीरे वो भूरा रंग को पा जाता है। इस तरह से हम लोग उसको बोलते हैं कि रंगों को, विलयन के रंगों को दूर करने में भी काम करता है। यानी कि विलयन के रंगों को दूर कैसे करते हैं, जैसे मान लिया कि कोई कलर है, अब उसमें कुछ ऐसा पदार्थ डालते हैं जो ये लाल जो पार्टिकल्स का कण है उसके ऊपर चिपक जाता है और लाल से थोड़ा सा हल्का लाल नजर आने लगता है, और ऐसे करते 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 ये लाल जो है भूरा में चेंज हो जाता है। यानी कि रंगों को दूर करने में भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो नंबर है वो रोगों के निवारण में। जैसा कि जानते हैं बहुत सारा ऐसा केमिकल्स है जो हम लोगों के शरीर में रोग को भी ठीक कर सकता है और उसमें भी अधिशोषण की क्रिया होती है। जैसे मान लिया फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ज्यादा तैलीय पदार्थ खाते हैं तो हमारे पेट में HCl की मात्रा बढ़ जाती है, तदुपरांत हमें
गैस हो जाता है और उसको हम लोग एंटासिड की दवा लेकर उसे ठीक करने का काम करते हैं। तो एंटासिड कैसे काम करता है, जैसे हम एंटासिड की जो गोली होती है जैसे हम अंदर लेते हैं उसको, जैसे मान लिया कि एक टैबलेट है इसको हम लोग अंदर लिए चूंकि HCl की मात्रा हट सके और हमें रिलीफ मिल सके, तो होता क्या है यह सबसे पहले पाचन की क्रिया में कई करोड़ों भागों में ये टैबलेट टूटता है और जैसे ही टूट गया, अब टूटने के बाद हरेक अणु जो टूट गया वो क्या किया तो अधिशोषण की क्रिया करने लगा। किसको तो किसको अधिशोषित करने लगा तो HCl की मात्रा को अधिशोषित कर लिया और फिर हम लोग मलमूत्र के माध्यम से उसको बाहर कर दिए और हमें फिर रिलीफ महसूस होता है। तो रोगों को निवारण करने में, रोगों को दूर करने में भी हमें अधिशोषण का उपयोग होता है। फिर नेक्स्ट क्या था, तो नेक्स्ट है फेन उत्प्लावन विधि में। जी हाँ, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फेन उत्प्लावन विधि में सबसे इंपोर्टेंट पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है पाइन का तेल। जैसे उसका काम है झाग उत्पन्न करना, जैसे उसको पानी में घोलते हैं वो झाग उत्पन्न करता है। जैसे कि सर्फ, एक्सेल, जितने भी तरह का ब्रांडेड कंपनी की जो सर्फे हैं सब में पाइन का तेल इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए वो झाग उत्पन्न करता है, राइट। तो होता क्या है कि जैसे ही हम लोग किसी भी पाइन के तेल को डालते हैं तो झाग उत्पन्न करता है, झाग उत्पन्न करता है तो जितने भी अशुद्ध पदार्थ होंगे वो झाग के ऊपर आ जाएंगे, मतलब ऊपर चिपक जाएंगे और फिर हम लोग उसको झाग को हटाकर उसको अलग करते हैं। तो फेन उत्प्लावन विधि एक ऐसी विधि है जिसमें अशुद्धियों को दूर करने में भी इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी एक अधिशोषण पर आधारित है। और नेक्स्ट एंड लास्ट है गैस नकाब में। गैस नकाब एक ऐसा मास्क होता है एक तरीके का, जैसे अभी हम लोग कोरोना वायरस को लेकर ये सरकार जो है अप्लीकेबल कर दिया है कि हमेशा आपको मास्क का यूज करना है, तो ये हम लोग सिंपल मास्क यूज करते हैं। हालांकि गैस नकाब एक ऐसा मास्क होता है जो एक केमिकल से भरपूर होता है जो अक्सर यूज करते हैं जो कोयले कारखानों में काम करने वाला व्यक्ति, उनको यह सलाह दिया जाता है स्ट्रिक्टली कि आपको लगाना ही लगाना है क्योंकि वहां पे ज्यादा गंदगी होती है, ज्यादा कीटाणु जीवाणु होता है, उनको कई किलोमीटर अंदर जाकर कोयले को निकालना पड़ता है मशीन के साथ, तो उनको गैस नकाब, गैस नकाब का मतलब वो ऊपर का मास्क जिसमें केमिकल भरा रहता है और वो केमिकल काम करता है बाहर के कीटाणु जीवाणु या फिर गंदगी को वो अपने सतह पे चिपका लेता है और ज्यादा नहीं, वो लोग को प्रतिदिन गैस नकाब यूज अलग अलग करना होता है ताकि उनको वहां पे ज्यादा गंदगी होती है कि उसके अधिशोषण में बहुत सारे अणु गंदगी चिपक जाती है, तो ये गैस नकाब में भी इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं अधिशोषण का उपयोग। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे जिसका नाम है उत्प्रेरण, जिसका नाम है उत्प्रेरण। अब सबसे पहले हम लोग उत्प्रेरण को सीखेंगे कि ये उत्प्रेरण क्या है, तो सबसे पहले लिखेंगे इसके बारे में, उत्प्रेरण के बारे में। बहुत सी रासायनिक अभिक्रिया के वेग किसी बाहरी पदार्थ की उपस्थिति में बढ़ या घट जाते हैं। उस बाहरी पदार्थ को उत्प्रेरक कहा जाता है। उत्प्रेरक कहा जाता है तथा ऐसा प्रक्रम उत्प्रेरण कहलाता है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि उत्प्रेरण क्या होता है। तो बहुत सारी अभिक्रिया अक्सर आप देखते होंगे कि जैसे मान लिया ये एक अभिक्रिया है, इससे बी बनाना चाह रहे हैं तो उसको यहां पे कुछ इस्तेमाल किया जाता है, कोई केमिकल, कोई यौगिक, तो जो चीज यहां पे इस्तेमाल किया जाता है ना वो कहलाता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का मतलब कि वह पदार्थ, वह अणु जो अभिकारक से प्रतिफल को बनने में ज्यादा या कम समय का यूज किया जाता है। यानी कि देखिए
कोई भी अभिकारक होगा ना प्यारे छात्रों, तो प्रतिफल तो बनना ही बनना है जब अभिक्रिया स्टार्ट हो गया है। हालांकि उत्प्रेरक का काम है कि उसको जल्दी बनवाना है कि देर से बनवाना है, यानी कि अभिकारक से प्रतिफल तो बनेगा ही बनेगा। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल दिए थे पिछले चैप्टर में कि वहां पे HCl है और HCl को H2 और Cl को जब अंधेरा में रखा जाता है और प्रकाश में रखा जाता है तो अंधेरा में बहुत स्लो स्पीड होता है और प्रकाश में ज्यादा तेजी से बनता है। तो उत्प्रेरक का काम है अभिक्रिया के वेग को घटाना या बढ़ाना। तो बिल्कुल आप कन्वर्ट नहीं होइएगा। कोई पूछेगा कि उत्प्रेरण क्या है, तो हम यही बोलेंगे कि अभिकारक का, यानी सिर्फ बोलिएगा अभिक्रिया का वेग को घटाना या बढ़ाना वो किस पर निर्भर करता है, तो उत्प्रेरण पर निर्भर करता है। और जो बाहरी पदार्थ यूज किया जाता है उसका काम है अभिकारक को जल्दी बनाना या देर से बनाना, उसको हम लोग बोलते हैं उत्प्रेरक, जो यहां यूज करते हैं। और पूरा अभिक्रिया कहलाता है कि उसमें उत्प्रेरण का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि उत्प्रेरण क्या है, तो उत्प्रेरण वह पदार्थ या प्रक्रिया है जिसमें अभिक्रिया के वेग को बढ़ने या घटने का अनुमान लगाया जाता है, वो उत्प्रेरक कहलाता है। अब इसके आगे का अगर बात करें तो उत्प्रेरक का दो प्रकार होता है और दोनों प्रकार बहुत सिंपल है, तो उसके नीचे लिखिएगा उत्प्रेरक के दो प्रकार है, पहला धन उत्प्रेरक और दूसरा ऋण उत्प्रेरक। इसके दो प्रकार है, पहला का नाम है धन उत्प्रेरक और दूसरा का नाम है ऋण उत्प्रेरक। अब प्यारे छात्रों, धन उत्प्रेरक का मतलब बहुत सिंपल, धन उत्प्रेरक उसको कहते हैं जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। जैसे मान लीजिए कि यहां पे कुछ इस्तेमाल किए, ए से बी तो बनना ही बनना है, जब यहां पे एक एटम सी का प्रयोग किए तो ए से बी बनने में 2 मिनट का टाइम लग रहा है, और ए से लेकर बी तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन कोई एटम पी इस्तेमाल किए ये बन रहा है 5 मिनट में। तो देख रहे हैं समय का अंतर है, उत्प्रेरक चेंज, अभिकारक तो बनेगा ही, बी ही बनेगा, जो बनना है प्रतिफल वही बनेगा, लेकिन जल्दी या देर से बनेगा, तो ये डिसाइड कौन करता है, उत्प्रेरक। अगर यही कम समय में, यानी कि बहुत ज्यादा जल्दी हुआ ना, ये फास्ट हुआ, क्योंकि कम समय में जल्दी बन गया तो फास्ट रिएक्शन हुआ, और ये स्लो रिएक्शन हुआ, क्यों, क्योंकि ए से बी बनने में ज्यादा टाइम लग रहा है, तो धीरे धीरे अभिक्रिया हो रहा होगा ना यहाँ इसके अपेक्षा, तो इसको बोलेंगे स्लो अभिक्रिया और इसको बोलेंगे फास्ट रिएक्शन। तो जहां पे फास्ट यानी जल्दी बनता है वो होता है धन उत्प्रेरक, यानी कि कम समय में बन जाता है प्रतिफल वो हो गया धन, और ज्यादा समय लगता है उसको बोल देंगे ऋण उत्प्रेरक। तो अब हम लोग नेक्स्ट अर्थ देंगे, लिखेंगे वह उत्प्रेरक जो अभिकारक से प्रतिफल बनने में, जो अभिकारक से प्रतिफल बनने में बहुत कम समय लेता हो, बहुत कम समय लेता हो, या प्रतिफल जल्दी प्राप्त कर देता हो, प्रतिफल जल्दी प्राप्त कर देता हो, वह धन उत्प्रेरक कहलाता है, धन उत्प्रेरक कहलाता है। अब नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे वह उत्प्रेरक जो अभिकारक से प्रतिफल बनने में ज्यादा समय लेता हो तथा प्रतिफल बनने में ज्यादा समय लेता हो या प्रतिफल बनने में ज्यादा देर लगाता हो वह ऋण उत्प्रेरक कहलाता है। जैसा कि जानते हैं अभी हम लोग सीखे भी धन ऋण उत्प्रेरक और ऋण उत्प्रेरक, तो आज तक के क्लास को, उत्प्रेरण तक के ही क्लास को हम लोग आज डन करते हैं। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले केमिस्ट्री की क्लास में। धन्यवाद।